कपूर खानदान की कहानी बॉलीवुड की सबसे पुरानी कहानियों में से एक है। राज कपूर और कृष्णा राज कपूर के चार बच्चे रणधीर, रितु, रीमा और ऋषि ने इस खानदान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर वायरल हुई जिसमें कृष्णा जी अपने चारों बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि कपूर खानदान हमेशा एक यूनिट की तरह रहा है। फोटो में जो नन्ना सा बच्चा है वो बॉलीवुड के सबसे मशहूर चेहरों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मशहूर चेहरे के पीछे एक और चेहरा छिपा हुआ था? गुस्से का। ये मशहूर चेहरा कोई और नहीं बल्कि ऋषि कपूर है। कपूर खानदान के लोग जानते ही हैं कि ऋषि कपूर का गुस्सा कितना मशहूर था। खुद उनके भाई रणधीर कपूर और बेटे रणवीर कपूर इस बात की गवाही दे सकते हैं। ऋषि कपूर ने अपनी फिल्मी यात्रा की शुरुआत 1973 में बॉबी के जरिए की थी। इस फिल्म में उनके साथ डिम्पल कपाड़िया थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी। ऋषि कपूर ने अपने करियर में अमिताभ बच्चन के साथ कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी बायोग्राफी में एक दिलचस्प बात सामने आई है। ऋषि कपूर ने लिखा कि उनके और अमिताभ के बीच हमेशा एक अजीब सा तनाव रहा जिसका जिक्र दोनों ने कभी नहीं किया। उन्होंने बताया कि सेट पर भी वो कभी अमिताभ के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें हमेशा अमिताभ कहकर बुलाते थे। ऋषि कपूर की जिंदगी में नीतू सिंह की एंट्री कुछ यूं हुई कि जब वो फिल्म में जहरीला इंसान कर रहे थे तब उनकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया था और फिर क्या था, नीतू सिंह को ही बीच बचाव का फरिश्ता बनना पड़ा। इसी फिल्म से दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और 1980 में उन्होंने शादी कर ली। वहीं रिद्धिमा और रणवीर ने उनके घर में खुशियों की नई बहार ला दी। ऐसी न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए वाहियात टॉक को सब्सक्राइब करें।